या दोस्तों, मैं हूँ प्रकाश डीजे भोलपुर से और हम जा रहे हैं आज भाजी खाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा घर है और यहाँ से चलते हैं भाजी खाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट कीजिए और आपके गाँव में कोई अच्छी जगह हो तो हम वहाँ वीडियो बनाने के आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों भाजी खाने के लिए। यहाँ दोस्तों हम आ चुके हैं भोलपुर सिटी में पाव भाजी खाने के लिए। भोलपुर सिटी के अंदर ये है सरकारी दवाखाने के पास ही एक ज़बरदस्त पाव भाजी मिलती है। चलिए दोस्तों वहाँ की पाव भाजी टेस्ट मारेंगे। ठीक है दोस्तों, खोड़ियार पाव भाजी। छोटी सी शॉप है लेकिन पाव भाजी गजब मिलती है यहाँ पर। अभी तो पाव भाजी बनना स्टार्ट ही हुआ है और हमारे साथ है दीपक भाई जो अपनी शॉप चला रहे हैं पाव भाजी की। गर्मा गर्म पाव भाजी। हमारी पाव भाजी बनना स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। अभी भी बोलपुर में आए तो एक बार दीपक भाई की पाव भाजी जरूर खाइए। ठीक है दोस्तों, यह पशु दवा सरकारी दवाखाने के पास ही है। मेन हाईवे से आएगी इधर से तो सामने आएगी सरकारी दवाखाने के पास। किसी को भी बताए पता पूछ सकते हैं बोलपुर में आके कि खोड़ियार पाव भाजी दीपक भाई की कहाँ पर मिलती है। ज़बरदस्त पाव भाजी बना दिया दीपक भाई। हम भी आ चुके आज दीपक भाई के पास पाव भाजी। ये देखिए उनका अंदाज देखिए दोस्तों, भाजी बनाने का अलग ही स्टाइल है बनाने की भाजी। और प्राइस भी लगे, पूरे गांव में 70 रुपये भाजी का होता है और ये दीपक भाई जो पूरे गांव से कम प्राइस में भाजी बनाते हैं, ज़बरदस्त भाजी बनाते हैं। 50 रुपये प्राइस है यहाँ की भाजी का। टेस्ट करिए दोस्तों एक बार। मैं बहुत जगह पर गया हूँ, बहुत भाजी खाई है। क्या खुशबू आ रही है दोस्तों, गजब। बारिश के मौसम में दोस्तों भाजी खाने का मजा ही कुछ और होता है। बारिश चालू और भाजी, हाँ हाँ, मुँह में पानी आ जाए दोस्तों यार। क्या स्मेल आ रही है दोस्तों, गजब स्मेल है। इसलिए बोलते हैं बारिश के टाइम में भाजी खाना ज़रूरी है दोस्तों यार, पूरे शरीर में गर्मी आ जाती है ठंडे के मौसम में। ज़बरदस्त भाजी बना दी दीपक भाई ने।